किसी भी रोगी के स्वास्थ्य के लिए जितनी बड़ी भूमिका एक डॉक्टर निभाता है उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती है एक नर्स डॉक्टर का हमेशा मरीज के साथ रहना संभव नहीं है इसीलिए जो संभव नहीं है उस चीज को पूरा करती है एक नर्स नमस्कार मैं सोनिका ढटवाल दिव्यांशी कार्यक्रम में आपका स्वागत है आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुभकामनाएं आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर हम बात करने जा रहे हैं आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर समा लोमी जी जो कि प्रिंसिपल हैं नर्सिंग कॉलेज में मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है साथ, साथ की की दूरदर्शन के माध्यम से सभी आज हम जो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के विषय में जो बात करने जा रहे हैं सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी की पूरी दुनिया में जो है हम अंतरराष्ट्रीय जो है नर्सिंग दिवस मना रहे हैं ये क्यों मनाया जाता है और ये कब से मनाया शुरू किया गया नर्सिस दे जो है ये मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बहुत देन रही है बहुत योगदान रहा है नर्सिंग के क्षेत्र में हालांकि मैं अगर नर्सिंग के बारे में कहूँ तो नर्सिंग तो जब से आ, ये पृथ्वी है तब से नर्सिंग भी है क्योंकि एक माँ भी अपने बच्चे को नर्सिंग करती है और घर में महिलाएं अक्सर पूरे परिवार की देखभाल करती हैं तो उनका बहुत योगदान है और लेकिन जो दाइज की ट्रेनिंग है नर्सेज ये हमेशा से काम करती हैं लेकिन ट्रेनिंग फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी फ्लोरेंस नाइन्टिंगेल एक ऐसी महिला है जिसने इसको मॉडर्न नर्सिंग को जन्म दिन जन्म दिया इसी वजह से हम उसको पायूनियर मानते हैं नर्सिंग के क्षेत्र में और फ्लोरेंस नाइंटिंग जो है वो इटली में पैदा हुई और 12 मई उन्नीस अठारह में उसका जन्म, जन्म हुआ था हुआ। उसी जन्मदिन पे ही हम नर्सिस डे मनाते हैं और ये नर्सिस डे ही नहीं पूरा सप्ताह ही हम उसकी उसमें सेलिब्रेट करते हैं उसकी लिए तो 12 मई से लेके जो है ये पूरा सप्ताह सप्ता जो है सप्ता वो वो जो है एज ए नर्सिंग डे जो है वो मनाया जाता है जी सोनिया इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स प्रतिवर्ष एक थीम पे काम करता है इस बार का जो अंतरराष्ट्रीय जो थीम है न, नर्सिंग के उसमें वो क्या है वो है अवर नर्सिस आर नर्सिस आर फ्यूचर वो उस, उस थीम पे ये है कि जो नर्सिस हैं उनका बहुत ज्यादा योगदान है हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्योंकि नर्सिस का नंबर इतना ज्यादा है हॉस्पिटल में नर्सिस 24 घंटे काम करती हैं सुबह दिन और रात ठीक तो उनका इतना योगदान है और वह वो, वो जो है हमारे स्वास्थ्य के स्तर में इम्प्रूवमेंट uh, करने में बहुत ज़्यादा uh, योगदान देन है, है योगदान देती हैं है। है। जो ये आपने हमें बताया थोड़ा सा हमें जो फ्लोरेस नाइट ये जो है नाइट एंगल है नाइट एंगेल हैं जो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उनका जितना योगदान रहा हमारे नर्सिंग में क्या उनका उनके अलावा और भी अगर हम भारत देश की बात करें किसका और योगदान रहा है कि जो नर्सिंग के क्षेत्र में अगर हम भारत की बात करें तो पहली नर्स कौन है पहली नर्स थी काशी बाई गणपत तो ये इसको ये पहली नर्स इसलिए मानते हैं कि ये पहली प्रशिक्षित नर्स थी अठारह सो इक्नवे में इसने ट्रेनिंग ली लेकिन आ, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो इंग्लैंड में पैदा हुई इटली में पैदा हुई और उसने मॉडर्न नर्सिंग को जन्म दिया लेकिन उनका योगदान भी बहुत माना जाता है क्योंकि उन्होंने चाहे भारतवर्ष में नहीं आई लेकिन यहाँ से डाटा कलेक्शन करके उसके स्तर पर उन्होंने मिलिट्री नर्सिंग और सिविल नर्सिंग सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की और उन्होंने उन्नीस सौ में उन्नीस सॉरी अठारह में उन्होंने यहाँ पे सेंट स्टीफनस नर्सिंग कॉलेज दिल्ली में शुरू करवाया हालांकि उन्होंने खुद पर्सनली यहाँ नहीं आए लेकिन तब ब्रिटिश रूल था और उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट उसमें की।, की लेकिन ट्रेनिंग जब शुरू हो गई तो उसके बाद जो है पहली जो नर्सी वो थी काशीबाई गणपत ठीक उसके बाद ट्रेनिंग जो है चलती रही और नए नए कॉलेज खुलते रहे शिक्षा नर्सिंग शिक्षा संस्थान खुलते रहे अभी हम अगर देखें तो आ, आ, अभी पैंतीस सौ से भी ज़्यादा शिक्षा संस्थान पूरे इंडिया में हैं। जी बहुत है, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि इतने सारे संस्थान हैं और ये जो है ये सेवा के जो कार्य में जो है वो लगे हुए हैं दो तो हज़ार जो तेईस का आपने थीम बताया वो कहा कि आर नर्सेस आर फ्यूचर हर साल जो है इसी थीम पर काम किया जाता है तो इस साल जो ये थीम है ये क्या मायने रखता है उसका यह है कि नर्सेज का नंबर इतना ज़्यादा है मैंने बताया कि जैसे भारतवर्ष में तक तकरीबन 30 लाख रजिस्टर्ड नर्सेज हैं और 2024 तक 40 लाख नर्सेज की और ज़रूरत पड़ेगी तो एक एडिशन होने जा रही है तो जो हम बोलते हैं स्वास्थ्य की जो रीढ़ की हड्डी है वो नर्सेज़ हैं और इसी वजह से है कि ये थीम रखा गया आर नर्सिस आर फ्यूचर क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है निर्भर करता है नर्सेज पर जी आपने बिल्कुल कहा कि जो हमारी स्वास्थ्य के लिए जो रीढ़ की हड्डी है वो नर्सेस ही हैं क्योंकि वो दिन रात जो है वो मेहनत करती हैं और मरीज़ की जो है वो प्रॉपर जो है वो देखभाल करती हैं क्योंकि एक डॉक्टर के लिए मुमकिन नहीं है कि हर समय वो जो है वो मरीज़ के पास रहे तो एक नर्स है जो पेशेंट को जो है बहुत मोटिवेट कर सकती है और आधी बीमारी जो है कहते हैं कि अगर कोई उनसे हंस के बात कर ले तो वो दूर हो जाती है तो ये चीज़ जो है अगर हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग में जब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तब किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से ट्रेंड किया जाता है नर्सेस जब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उनको नर्सिंग एथिक्स के बारे में बताते हैं एथिक्स के बारे में समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नर्सिस को जो है ह्यूमन बींग्स के साथ डील करना ना कि मशीन के साथ तो ह्यूमन हमने ये भी बताना कि उन्होंने बीमार व्यक्तियों के साथ काम करना है ना कि स्वस्थ व्यक्ति के साथ। तो बीमार व्यक्ति होते हैं जो जिनको कोई भी बीमारी होती है उनका मानसिक स्वास्थ्य पे तो असर होता ही होता है हम तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि हॉस्पिटल में खुशियां होंगी हॉस्पिटल इज ए प्लेस जहां पूरा दुख है और उनके दुख का निवारण करना है नर्सेज ने तो अगर वो हंस के बोल देंगी तो मरीज की आधी बीमारी उसी से ही उसी दूर से हो जाती दूर है हो और आ, मरीज भी बहुत कुछ पूछना चाहते हैं नर्सिस से जैसे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है कितना सुधार हुआ कितने दिन उनको हॉस्पिटल में और रहना पड़ेगा इसके अलावा नर्सेस की जिम्मेदारी है ये बताना कि कोई भी दवाई अगर उनको मिल रही है तो वो दवाई क्यों दी जा रही है उस दवाई का क्या असर होगा उस दवाई का क्या साइड इफेक्ट है इसके अलावा जो भी इंटरवेंशन की जाती है वो क्यों की जा रही है उसका एक्सप्लेन करना उसका उसको पूरी तरह से मरीज को समझाना बहुत ही ज़रूरी है भारतवर्ष में आमतौर पे इवन हम जब कंसेंट भी लेते हैं तो पेशेंट को पूरा नहीं बताया जाता है तो उसको बोलते हैं कि ये कंसेंट फॉर्म है आप साइन कर दीजिए мина બ એક્સપ્લેન કીયે કે ઇસમે ક્યા લિખા હુઆ હૈ તો યે નર્સસ કી ડ્યુટી હોતી હૈ કે ઉનકો બતાના કે ક્યું ઓર ક્યા ઓર કબ કિયા જાયેગા ઓર ઉસકે ઇલાવા કિતના ટાઈમ લઈએગા ઉસકો રિકવર હોને રિકવર હોને મે યે એક્સપ્લેન karna બહોત જરૂરી હૈ ના કી હમે હોસ્પિટલ મે બ્લાઇન્ડલી કામ karte rehna હૈ જી જો નર્સો કો હે જો હમારા દિવાંશી પ્રોગ્રામ હે ઓર નર્સો કો ભી જોહે દિવાંશી શક્તિ કહા ગયા હૈ એસા ક્યું नर्सेस uh, खाली मरीज के साथ ही नहीं बल्कि उनके फैमिली मेंबर्स के साथ भी काम करती हैं अगर आप uh, बच्चों के वार्ड में देखें तो मदर्स होती हैं उनके साथ तो बच्चों को जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो मदर्स को और अगर घर में कोई भी बीमार होता है तो उसका असर पूरे परिवार पर होता है तो हमें देखना है कि जब भी फैमिली मेंबर्स आते हैं उनको भी समझाना बीमारी के बारे में और हम अगर न्यूट्रिशन के बारे में बताना चाहते हैं तो पूरी फैमिली का ही न्यूट्रिशन जो है हमें चेंज करना पड़ता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए कितनी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कितनी एक्सरसाइज करनी है दवाई कब लेनी है कब फॉलोअप के लिए आना इसके अलावा खाली इलाज के अलावा जो नर्स है वो पेशेंट की एडवोकेट भी है वो तो पेशेंट को गाइड भी करती है इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि विल करनी है पेशेंट को तो पेशेंट सिर्फ उसको बताता है नर्स को कि मुझे विल करनी है कि मैं पता नहीं कितने दिन रहूंगा तो मैं विल करना चाहता तो उसमें भी नर्सेज जो है हेल्प करती है इसके अलावा बहुत सारे लीगल इशूज़ भी आते हैं जिनके लिए नर्सेज को देखना है जैसे कोई पेशेंट आता है कुछ उसने पॉइजन लिया है या बर्न पेशेंट है तो उसके कपड़े संभाल के रखना या उसको वॉमिटिंग जो हुई है उसका कंटेंट संभाल के रखना और उसको फॉरेंसिक लैब में भेजना भीछना. ताकि उसको आ, एनालाइज कर सके कि ये क्या कारण था इसका तो नर्सेज जो है उनका रोल खाली इलाज में नहीं बल उसमें भी है। और प्रिवेंशन में भी बीमारियों की रोकथाम में भी नर्सेज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है रोल है जैसे आपने ये बताया कि जिस तरह से नर्सेज का काम है नर्सेस को जो है दवाइयाँ देने के अलावा जो पेशेंट्स हैं उनको बूस्टअप भी करना है।, है उनका उनकी जो है उनकी शक्ति को बढ़ाना है ताकि वो उस बीमारी से लड़ सके ताकि उनका जो है मुराल जो है उनकी जो शक्ति है उसको बढ़ाया जा सके नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें जो है बहुत सी लड़कियां जो हैं वो इस प्रोफेशन में हैं तो नर्सिंग प्रोफेशन के लिए बहुत बच्चों का शौक़ होता है कि उन्हें नर्सिंग प्रोफेशन में जाना है और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उन्हें किन कोर्स को अडॉप्ट करना है कि वो इस प्रोफेशन में जा सकते हैं थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी अगर आपने नर्सिंग जो हमने प्रोफेशन अडॉप्ट करना है उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किस चीज़ को क्या क्राइटीरिया रहता है कि हमें जो नर्सिंग प्रोफेशन जो अडॉप्ट करना है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेसिकली नर्सिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं मैं शुरू करूंगी सबसे पहले ए एन एम से एन एम ट्रेनिंग प्रोग्राम दो साल का प्रोग्राम है जो ट्वेल्थ क्लास के बाद होता है किसी भी स्ट्रीम में बारहवीं कक्षा का को पास करके एन एम की ट्रेनिंग की जा सकती है बेसिकली एन एम जो है रूरल एरियाज में काम करती हैं प्राइमरी सेंटर में और सब सेंटर्स में इसके अलावा जी एन एम है डिप्लोमा नर्सिंग जिसको बोलते हैं तीन साल की वो भी ट्वेल्थ क्लास के बाद ही होती है विद एनी स्ट्रीम तो कोई भी बच्चा जिसने बारहवीं कक्षा पास की हो वो जी में एडमिशन ले सकता है लेकिन जहाँ तक बी एस नर्सिंग की बात है बी एस नर्सिंग फोर इयर्स का है और उसके लिए बारहवीं कक्षा विद फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये जरूरी है और ये अगर उसने किया है तो वो बी नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है उसके बाद फर्दर नर्सिंग करने के बाद जैसे मैंने बताया जो जी वाले हैं वो बी नर्सिंग कर सकते हैं फॉर टू ईयर्स जो बी नर्सिंग के बाद मास्टर्स इन नर्सिंग भी कर सकते हैं अलग अलग स्पेशलिटीज में और इसके अलावा पीएचडी भी नर्सिंग में नर्सिंग में कर सकते कर सकते हैं जैसे पीएचडी एच आपने ये बोला जब नर्सिंग कोर्स ऐसा है कि जितना हम इसको प्रैक्टिकली इस काम को करेंगे उतना ज्यादा जो है हम उस चीज को सीख पाएंगे तो जब ये जब नर्सिंग का कोर्स कर रहे होते हैं तो उसमें ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाती है और आ, क्या क्राइटेरियाज रहता है हाँ उसमें यह है कि हर नर्सिंग संस्थान जो है किसी ना किसी हॉस्पिटल के साथ जुड़ा होता है और ये जरूरी भी है अब उनके लिए क्या इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने पूरा घंटे दे रखे हैं कि जब हम नर्सिंग की शिक्षा दे रहे हैं उसमें कितने घंटे हर हर स्टूडेंट स्टूडेंट को को जो है हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल में बेसिक स्किल जैसे फर्स्ट ईयर में सिखाते हैं सबसे पहले तो ये होता है कि फर्स्ट ईयर में जब बच्चे भेजें पेशेंट के साथ बात कैसे करनी है पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेनी है उससे इंटरेक्ट कैसे करना ताकि पेशेंट उनको विश्वास से अपने बारे में बता सके।, सके इसके अलावा छोटे स्किल्स बेसिक हम दिखाते हैं तो उसमें यह है कि हॉस्पिटल में काम करना बहुत ही जरूरी है और साथ साथ समुदाय में कम्युनिटी में भी काम करना उनका बहुत जरूरी है तो हर संस्थान जो है स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में और समुदाय में भेजता है काम करने के लिए ताकि वो स्किल सीख सके क्योंकि नर्सिंग जो है खाली थेरी नहीं है थेरी नहीं जब नहीं नहीं तक है। उसको प्रैक्टिकल ना किया जाए उनको कुछ नहीं आता तो हम क्या करते हैं पहले तो नर्सिंग संस्थान में लैब्स होते हैं जहाँ हम उनको सिखाते हैं डमीज़ पे मैनिकिन्स पे उसके बाद हम उनको हॉस्पिटल ले जाकर सिखाते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली पेशेंट के ऊपर पेशेंट के ऊपर जो है वो काम कर सकें अगर हम नर्स की भूमिका जो है वो डॉक्टर की तरह ही होती है डॉक्टर का जो आधा काम है वो एक नर्स ही करती है तो उसके साथ साथ दवाई देने के साथ साथ और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो नर्स को जो है ध्यान में रखने होते हैं एक रिकॉर्ड मेंटेन करना हर एक पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ को किस तरीके से किया जाता है वो ये है कि नर्सिंग का रोल खाली दवाई देने तक सीमित नहीं है बल्कि ये भी देखना कि उस दवाई का असर कैसे हो रहा है क्या उस दवाई से कोई मरीज की स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा या ऐसा तो नहीं कि उसका कोई बुरा प्रभाव उसके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है फिर स्लीप पैटर्न देखना कि पेशेंट सो पा रहा है कि नहीं और कितने घंटे सो रहा है और खाने के बारे में कि पेशेंट ने कितना खाया वो भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि पेशेंट खाना कितना खा रहा है so, क्या वो पर्याप्त मात्रा में भोजन ले रहा है क्योंकि दवाई के साथ साथ भोजन भी जरूरी है बहुत ज़्यादा और इसके अलावा के रेस्ट के कितने टाइम पे कर रहा है और उसका इनटेक आउटपुट कितना है यूरिन कितना हो रहा है आउटपुट कितना है वो भी माप के रखना और इसके अलावा वेट भी देखना कि कितना वजन उसका जो है बढ़ रहा है या कम हो रहा है ये सब चीज़ें हमने देखना और इसके अलावा उसका मानसिक स्तर भी हमने देखना है कि ऐसा तो नहीं कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पे कुछ बुरा प्रभाव पड़ रहा है जी ये जो जो नर्सिंग प्रक्रिया है ये पूरी दुनिया में जो है वो लग रही है किसने बनाई है और ये किस तरीके से जो है ये कार्य करती है ए फ्लोरेंस नाइनटिंग है जिसने मॉडर्न नर्सिंग की नींव रखी थी जी और उसको एक प्रोफेशन के रूप में विश्व के सामने लाई और उसके बाद तो ये अब एक प्रोफेशन है और ये जैसे मैंने बताया कि शुरू में संस्थान में लैब्स में काम करते हैं बच्चे उसके बाद पेशेंट के साथ काम करते हैं और नर्सिंग जो है मैं ये बोलूँगी कि जो एक बार प्रशिक्षित नर्स बन गई है वो खाली सोसाइटी में उतर, उसका योगदान बहुत ज़्यादा है खाली हॉस्पिटल और कम्युनिटी में नहीं परिवार में भी जी और आसपास के लोगों में भी और हम जब कहीं जाते हैं और हम देखते हैं कोई एक्सीडेंट हुआ तो मेरा काम सबसे पहले ये होता है कि जाके देखूं first और मैं क्या उसके लिए कर सकती हूँ फ़र्स्ट एड देने के लिए और कैसे इमिडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट करूं तो नर्सिंग का नर्सिंग का रोल जो है खाली हॉस्पिटल तक नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल नर्सिंग आजकल स्कूल हेल्थ नर्सिंग का भी बहुत ज़्यादा है और ऑक्यूपेशनल नर्सिंग ताकि ऑक्यूपेशनल हैजर्ड से लोगों को बचाया जा सके और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स भी हैं आजकल जो नर्सिस काम कर रही हैं तो वो भी समुदाय में जाके अपना, अपना जो है योगदान दे रही, रही हैं आर्मी नर्सिंग में भी जाते हैं इसके अलावा जो है आ, खाली इंडिया में नहीं पर कि जैसे इंडिया में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है पूरे विश्व में वो प्रोग्राम जो है रेकग्नाइज हैं जी जैसे कि हम कोविड काल की बात करें तो जो नर्सिस थी वो भी फ्रंटियर जो थी हमारे वॉरियर की तरह उन्होंने काम किया है तो हर प्रोफेशन में अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं तो ये जो नर्सिंग का प्रोफेशन है ये भी जो है कम चुनौती भरा नहीं है इस समय अपना ना देखते हुए हमें जो है दूसरों का पेशेंट्स का देखना पड़ता है तो किन किन चुनौतियों का आप लोग जो है वो सामना करते हैं जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये देखा जाता है कि आप कितनी बीमारियों के को एक्सपोज होते हैं जैसे वहाँ पे ट्यूबोक्लोसिस है एच है।, है हम तो ऐसा नहीं कि नर्सेज मना कर सकते नर्सेज को कोविड पेशेंट के साथ भी काम ना काम करना सबके साथ काम करना और वो मना नहीं कर सकती और वो करती हैं पूरे दिल से हालांकि उनका अपना परिवार भी है तो हम नर्सेज को यही एडवाइस करते हैं कि आप जब हॉस्पिटल में काम करते हैं तो जब घर जाएँ तो अपने आप को थोड़ा सफाई का ध्यान रखें ताकि वो बीमारियां हॉस्पिटल से घर ना ले जाए और घर की घर से बीमार होकर हॉस्पिटल में पेशेंट्स को बीमारी ना दे दोनों तरफ से ही क्रॉस इन्फेक्शन जो है हो सकती है जी ये नर्सिंग प्रोफेशन की हम बात करें तो नर्सिंग प्रोफेशन में रोजगार के कितने अवसर हैं कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं एक नर्स बनने के लिए आ, अगर मैं बाकी व्यवस्थाओं से कंपेयर करूं तो नर्सिंग में अभी भी रोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं अभी देखिए हर राज्य में एम्स खुल गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन हर जगह खुल गया पीजीआई है और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे नर्सिस की जरूरत पड़ती रहती है और आर्मी नर्सिंग आ, में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसके अलावा नर्सिंग एजुकेशन क्योंकि नर्सिंग कॉलेज भी हर प्राइवेट भी और सरकार भी बहुत नर्सिंग कॉलेज खोल रही है तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट की के चांसेस हैं और जहाँ तक रोजगार की बात करती हूँ इंडिया में नहीं फॉरेन में भी उतनी ही sure. अपॉर्चुनिटीज़ है जैसे मैंने बताया यहाँ की डिग्रीज जो हैं जिसने भी किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन से पास किया जो संस्था इंडियन नर्सिंग काउंसिल से और यूनिवर्सिटी से रेकग्नाइज है तो वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जॉब ले सकते हैं और उनको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है वही एक चैलेंज है वही एक चैलेंज है और अगर हम बात करें कि आज की नर्सिंग के आज की नर्सिंग के समय की और पिछले जो जो समय रहा है उसमें नर्सिंग में तो आज के समय में जो है वो नर्सिंग प्रोफेशन कितना चैलेंजिंग है और कितनी आ, किस तरीके से जो है समस्याओं को हैंडल किया जाता है क्योंकि आजकल जो है समय बहुत बदल चुका है पुराने समय अलग था अब जो है अपडेट रहने का भी है जो सिस्टर्स को भी जो है वो अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे होता है? अभी ये कि जितनी अवेयरनेस लोगों में आ गई है जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि मेडिसिन दी किस लिए दी इस मेडिसिन का क्या असर होगा और अगर हम वाइटल साइन चेक करते हैं तो पेशेंट को जानना का हक है कि उसका टेम्परेचर कितना है उसका ब्लड प्रेशर कितना है उसकी पल्स कितनी है और क्यों है और किस तरीके से इम्प्रूवमेंट होएगी इसी वजह से हम बोलते हैं कि नर्सिंग रिसर्च पे भी जोर देना चाहिए और इसके अलावा नर्सिंग ऑडिट की मैं बात करूंगी कि हर महीने जो है नर्सिंग ऑडिट होना चाहिए ये देखने के लिए हमने कहाँ टाइम वेस्ट किया कि, किस तरीके से हम पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन डे कम से कम कर सकते हैं और हमने कहाँ पे मैन पावर को बचाना है तो नर्सिंग ऑडिट भी उतने ही जरूरी जो कि भारतवर्ष में अभी इतना नहीं है तो र, आ, हम बोलते हैं ये इसका एविडेंस बेस्ड नर्सिंग कि जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं वो किसी साइंटिफिक रेशनल के ऊपर आधारित होना आधारित होना चाहिए तो इसीलिए नर्सिंग रिसर्च पे बहुत जोर देते हैं और नर्सिंग एजुकेशन का स्तर जो है वो भी मैं कहती हूँ दिन बे दिन हमें बेहतर करना पड़े बेहतर करना ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम सोचते हैं कि पेशेंट पेशेंट को कितने दिन क्यों रखा जा रहा है हॉस्पिटल में पर आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि ये भी एक रहता है कि जल्द से जल्द जो है वो पेशेंट को ठीक किया जाए और उसे घर भेजा जाए ये भी जो एक जो है वो नर्सिंग उसमें उसमें आता है जो नर्सिंग की उसमें जो जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसको मेंटेन कैसे किया जाता है आ, वो ये है कि जैसे हमने नर्सिस ने, ने हॉस्पिटल में बहुत तरह के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं और जैसे कि मेडिसिन किस वक्त दी कितने बजे दी कितना अमाउंट था और इंजेक्शन भी दिया है तो किस रूट से दिया है और कितने किस टाइम पे दिया है कितनी डोज दी है इसके अलावा मैंने जब बताया कि इनटेक एंड आउटपुट कितना था पूरे दिन भर चौबीस घंटे में पेशेंट ने कितना खाना खाया कितना लिक्विड लिया कितना यूरिन आउटपुट था इसके अलावा वाइटल साइंस सुबह और शाम हर पेशेंट के चेक होते हैं और जो पेशेंट थोड़े सीरियस होते हैं उनके शायद चार चार घंटे बाद चेक करने पड़ते हैं और उनका रिकॉर्ड करना पड़ता है टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर इनका रिकॉर्ड होना चाहिए इसके अलावा पेशेंट किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है जैसे एक्सरे के लिए ई के लिए कितने बजे गया क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और उनका रिकॉर्ड भी मेनटेन करना और क्योंकि हम जब ट्रीटमेंट देते हैं हम ऐसा तो नहीं कि ब्लाइंडली देते रहे हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन लैब इन्वेस्टिगेशन भी देखना है कई बार ऐसा हो सकता है कि, कि किसी दवाई का लीवर के ऊपर बुरा, बुरा असर बुरा हो रहा असर बढ़ है बढ़ और हम देखते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट जो है नॉर्मल नहीं है तो हमें रिपोर्ट करना होता है डॉक्टर को कि हाँ पेशेंट के लीवर फंक्शन टेस्ट जो है लैब की रिजल्ट के हिसाब से ठीक नहीं है तो शायद कुछ दवाई हमें बंद करनी पड़े और पेशेंट के जो है जैसे मैंने बताया पेशेंट हॉस्पिटल में आता है आते ही उसका वेट देखना आ, बहुत ज़रूरी है और उसको उसका कंसेंट लेना क्या क्या प्रोसीजर्स हैं उन कंसेंट का रिकॉर्ड रखना ये बहुत ज़रूरी है हमें जी जैसे आपने बताया कि पेशेंट का कंसल्ट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पेशेंट का जो है रिकॉर्ड जैसे आपने दवाइयों की बात की तो एक जो सिस्टर है एक नर्स को जो है वो दवाइयों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर पेशेंट को जो है अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें जो है दवाइयों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ के लिए क्या वो डॉक्टर्स के साथ ही वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या अलग से उनको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है जैसे मैंने आपको बताया कि जो थी पार्ट है वो हम उसको आ, संस्थान में ही बताते हैं लेकिन बाकी जो लर्निंग है वो हॉस्पिटल में ही होती है क्योंकि देखो तो पेशेंट के ऊपर ही वो सीखेंगे अगर इंजेक्शन भी लगाना है दवाई भी देनी कैसे देनी क्या रूट है वो सारा वहीं पे देना पड़ेगा जैसे डॉक्टर ने ऑर्डर दिए हैं सबसे पहले तो ये है कि वो ऑर्डर पढ़ना आना चाहिए जी, कि कि कितना क्या दवाई का नाम क्या है दवाई की डोज क्या है दवाई देने का रूट क्या है क्या टाइमिंग्स हैं कितनी बार दिन में देनी है और वो हमें ज़रूरी है कि पेशेंट जब नर्सेज जाती हैं पेशेंट को नाम से बुलाएं और उनको जो है पूरा किस रूट से किस समय क्या दवाई देनी उसका रिकॉर्ड करना ताकि सही पेशेंट राइट पेशेंट राइट डोज राइट रूट राइट टाइम ये सब वो मैंटेन जी बिल्कुल सही रहना जो है एक नर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रोफेशन ऐसा है जो 24 फोर बाई है कि इसमें जो है आपको जो है अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को जो है वो जो है मैनेज करके चलना है साथ में आपकी जो है फैमिली लाइफ को भी मैनेज करके चलना है तो उस समय उस चीज़ के लिए जो सिस्टर्स हैं जो महिलाएं उनको बहुत ज़्यादा की बहुत ज्यादा ज़रूरत होती है और वो चीज़ के लिए क्या स्पेशल ट्रेनिंग है या उसके लिए कैसे ट्रेन किया जाता है नर्सिस नर्सिस को आ, जब आ, ट्रेनिंग देते हैं हम उनको तो सबसे जरूरी हम उनको बताते हैं साइकोलॉजी कि हमने साइकोलॉजी का ज्ञान बहुत जरूरी है सोशोलॉजी so, का ज्ञान जरूरी है ये भी विषय उनको हम पढ़ाते हैं क्योंकि उन्होंने सोसाइटी में काम करना है और हम ये भी बताते हैं कि उनको स्वस्थ पर्सन के साथ 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 मरीजों के साथ भी आ, डील करना है जो कि फिजिकली तो बीमार हैं है, मानसिक तौर तो पे क्योंकि ये दोनों बॉडी माइंड रिलेशनशिप जो है बहुत स्ट्रांग है एक हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होता है लेकिन एक सिक बॉडी में माइंड भी सिखो सीखी हो तो ये चीज़ें हमने उनको दे। और अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है हॉस्पिटल में जैसे बताया कि फुल ऑफ सॉर है तो वहां पर तो अपनी इमोशंस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट हो जाता है कोई डेथ हो जाती है उस वक्त उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल वो पेशेंट के साथ रो नहीं सकती बल्कि उन्होंने उनका मोराल बढ़ाना है मेम्बर्स को कंसोल करना है उनको हिम्मत देनी है उनको ढांचा देनी है ताकि उनको किस तरीके से बता पाएंगे कि हाँ पेशेंट की जो है अब नहीं बचा तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी कि डेथ टाइम पे कैसे उन्होंने बिहेव करना है इसके अलावा जो हॉस्पिटल में वो देखती हैं जब काम का स्ट्रेस होता है और इमोशनली भी वो देखती हैं कोई डेथ हो गई कोई बहुत सीरियस पेशेंट है तो जब घर में जाती हैं तो हम बोलते हैं कि वो इमोशन जो है कैरी नहीं करनी घर में तो ये दो रोज़ अलग है, अलग हैं परिवार का और हॉस्पिटल में कि जो एक नर्स है उसे जो है दो जो रोल प्ले है वो दो दो रोल प्ले करना करना पड़ता है डॉक्टर श्यामा लोमी जी आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मैं चाहती हूँ कि आप जो है एक इंस्टीट्यूट में जो है वो प्रिंसिपल हैं तो मैं चाहती हूँ कि जो प्रोफेशन में इस जाना चाहते हैं उन नर्सेज को जो है आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर एक संदेश दें मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि नर्सेज जब हॉस्पिटल में काम करती हैं तो उन्होंने ये देखना है उन्होंने कि हमें ये भावना नहीं होनी चाहिए चाहिए कि मरीज जो है मेरी पे निर्भर करते हैं हम काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में बिकॉज ऑफ पेशेंट्स पेशेंट्स हैं तो नर्सिज हैं सिमिलरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी जो नर्सिंग एजुकेटर्स हैं उनको यह सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स हैं तो हम हैं ना कि वो हमारे ऊपर निर्भर करते हैं हम उन पर निर्भर करते हैं तो गांधी जी ने भी यही कहा है कि हमें यह सोचना है कि पेशेंट्स हैं तो हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जी ये बहुत अच्छी आपने बताई कि अगर अब, हम मतलब हम हमें जो है वो सेवा भाव निस्वार्थ जो एक नर्स है उसमें निस्वार्थ सेवा भाव होना चाहिए ताकि वो जो है एक पेशेंट्स को जो है बहुत ही मतलब प्यार से और उसको शक्ति बढ़ा के जो है उसका जो है उसकी बीमारी से वो ताकि वो लड़ सके आप इस हमारे कार्यक्रम में आई आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी तकलीफ भुलाकर दूसरों की तकलीफ में हौसला बढ़ाकर अपने जख्मों को दबाकर दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाती नर्स आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार थैंक यू सो